Hello students, today we are going to do book exercise of chapter 1st of maths subject of class 3rd, page number 11, assignment 7. Write the greatest and the smallest 3 digit numbers using the given digit. हमें जो digit दे रखी है, हमें उसकी 3 digit की greatest और 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट राइट करनी है, उसको बनानी है. तो हम उसे कैसे बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो हमें डिजिट दे रखी है, ग्रेटेस्ट के लिए हमें क्या करना होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग का मीन्स क्या होता है? बड़े से छोटा. तो ग्रेटेस्ट नंबर में अपने क्या राइट करेंगे सबसे पहले? अब इसमें क्या है, पहले सबसे पहले बड़ी डिजिट कौन सी है, बिगेस्ट कौन सी है? 5. तो हम क्या राइट करेंगे? 5. फिर उससे देखो 5 तो कट हो गया, अब रह गया 2 और 3. अब 2 और 3 में से बिगेस्ट कौन सी है? 3. तो हम राइट करेंगे 3. फिर नेक्स्ट क्या रह जाएगी पीछे? 2. तो हम राइट करेंगे 2. 532. ये तो हुआ ग्रेटेस्ट नंबर. और ऐसे ही नेक्स्ट डिजिट सेकेंड नंबर पे है 907. अब ग्रेटेस्ट नंबर, इसी का ग्रेटेस्ट नंबर अपनों ने मेक करना है, बनाना है. तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या राइट करते हैं? बिगेस्ट डिजिट. तो सबसे पहले 9, फिर उससे छोटी देखो डिजिट कौन सी है? 7. 7 के लास्ट में क्या आ जाएगी? 0. तो अपनी डिजिट क्या बनी? स्पीक करके देखो, 970. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर का मीन्स होता है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करते हैं? अब ये देखो, ये तो सिंपल डिजिट है 5, 2, 3. इसकी स्मॉलेस्ट अपने को बनानी है, तो अपने असेंडिंग में चलेंगे. असेंडिंग में सबसे पहले क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, छोटे से बड़ा. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है अपनी? 2. तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे? 2. फिर नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी स्मॉलेस्ट? 3. तो राइट करेंगे 3. नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी? 5. तो राइट करेंगे 5. तो इसको स्पीक करके देखो, 235. अब आप सोचोगे 0. अब इसमें देखो 907. अब इसमें डिसेंडिंग ग्रेटेस्ट में तो इजी हो गया. अब इसमें 0 की प्लेस कहाँ आएगी ये अपने देखेंगे. सबसे पहले क्या, अब आप सोचोगे 0 छोटी है तो 0 राइट करेंगे, लेकिन ये रोंग होता है, ये मेथड रोंग है. एक बार आप पहले 0 को छोड़ दोगे, 9 और 7 में से कंपेयर करोगे, 9 और 7 में से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हुई? 7. तो सबसे पहले अपने राइट करेंगे 7. फिर देखो अब 0, अब 0 की टर्न आती है, 0 बीच में आएगी. लेकिन इसको राइट करने का तरीका क्या होता है? ये हमेशा लेफ्ट वाली साइड से सेकंड नंबर पे आती है, लेफ्ट वाली साइड से सेकंड नंबर पे इसका प्लेस होता है. तो अब क्या राइट करेंगे? 0. फिर क्या रह गया अपने पास? 9. तो अपने क्या राइट करेंगे? 9. तो अपनी डिजिट क्या बनी? स्पीक करके देखो, 709. इसी तरह से ये असाइनमेंट 7 आप कंप्लीट करोगे. अब नेक्स्ट पेज नंबर है 12, असाइनमेंट 8. अब इसमें आपको क्या करना है? ऑब्जर्व द अबेकस. अबेकस जो आपका बना हुआ है उसको आपने देखना है अच्छे से. काउंट द बीड्स. काउंट द बीड्स का मीन्स जो आपके मोती है इसमें बीड्स हैं उसको देखना है, काउंट करना है अच्छे से. एंड राइट द एप्रोप्रिएट नंबर इन ईच बॉक्स. और जो आपको बॉक्स दिए हुए हैं उसमें राइट करना है. राइट द 4 डिजिट नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स नेम. और आपको उसकी जो प्लेस है वहाँ पे राइट करके फिर आपको उसका नंबर नेम राइट करना है. वर्ड में स्पीक करके देखोगे साथ साथ और राइट भी करोगे कि क्या डिजिट बन गई. अब सबसे पहले अपने बीड्स को काउंट करेंगे. वंस वाली लाइन में देखो 2 बीड्स है, 1, 2. तो क्या राइट करेंगे? 2. टेंस वाली लाइन में देखो 1, 2, 3, 4, 5. 5 राइट करेंगे. 100 में देखो 1, 2. तो 2 डिजिट है, 2 बीट्स है तो 2 राइट करेंगे. 1000 वाली लाइन में 1, 2, 3. 3 राइट करेंगे. अब इनकी प्लेस देखो, जहाँ पे 1000, 100, 10 एंड 1 दे रखा है,
सबसे पहले अपने सही तरीका क्या होता है, वंस से स्टार्ट करने का, जहाँ पे पहले वंस है, वंस वाले बॉक्स में जो वंस के नीचे डिजिट है टू, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा टू। फिर नेक्स्ट टर्न आती है टेंस की, तो टेंस के आगे आप क्या राइट करोगे, टेंस वाली लाइन में बिट्स कितनी है फाइव, तो टेंस में क्या राइट करेंगे फाइव। फिर नेक्स्ट टर्न आती है हंड्रेड की, हंड्रेड वाली लाइन में कितनी बिट्स हैं टू, तो हंड्रेड वाले बॉक्स में क्या राइट करेंगे टू। फिर नेक्स्ट टर्न आ जाती है थाउजेंड की, तो थाउजेंड में बिट्स हैं आपके थ्री, तो राइट करेंगे थ्री। तो अपनी फोर डिजिट नंबर डिजिट तैयार है। अब इसको स्पीक करके देखेंगे, पहले देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थ्री क्या हुआ थाउजेंड, तो अपने क्या स्पीक किया थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू, तो अपने राइट किया, यहाँ पे जो नंबर नेम वाली लाइन है यहाँ पे राइट करना है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू। इसी तरह से आपने असाइनमेंट एट पेज नंबर ट्वेल्व बुक में ही कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।